नमस्ते फ्रेंड, अमृता किचन में आपका स्वागत है। आज हम दही की मीठी लस्सी बनाएंगे और ये हमारे शरीर को, मीठी लस्सी हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है, गर्मी से प्यास बुझाती है, जो घड़ी घड़ी हमें प्यास लगती है तो ये मीठी लस्सी हम पीना बहुत पसंद करते हैं। हमारे शरीर को चुस्त रखती है, फुर्तीला बनाती है, तो इसलिए हम ये दही की मीठी लस्सी बनाएंगे। तो देखेंगे हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर इस चैनल में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आपको टाइम टाइम सर जल्दी से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं और बताते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है मीठी की, दही की मीठी लस्सी बनाना। एक कटोरी हमने दही ले लिया। बादाम दो तरह के हमने काट लिए, एक में तो दो फांके के लगा ली और साथ में बारीक टुकड़ों में काट लिया। पिस्ता ले लिया जिसको हमने धोकर इसको बारीक टुकड़ों में काट लिया। दो चम्मच हमने चीनी ले ली। अगर आपको चीनी ज़्यादा खाना पसंद हो मीठा, तो आप मीठा अपने हिसाब से अनुसार डाल सकते हैं। हमने मिक्सी का जार ले लिया और हम ये दही डाल देंगे। एक कटोरी चीनी डाल देंगे, दही और चीनी को हमने मिक्सी में पीस लेंगे। दही को हमने मिक्सी में पीस लिया, लस्सी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको गिलासों में डालेंगे। दही की मीठी लस्सी बनाकर हमने रेडी कर ली है और गिलासों में हमने सर्व कर ली है और ये बहुत अच्छी लगती है। आप भी ज़रूर बनाकर एक बार पीना, पी के देखना कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ और औरों से भी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगली नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।